और अगली खबर का रुख करते हैं दिल्ली से। खबर, जीत के बाद भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, उनका पहला इंटरव्यू। बीजेपी की बंपर जीत के बाद उनका पहला इंटरव्यू, और निकाय चुनाव की जीत के बाद भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है, मेहनत और जनता के विश्वास का नतीजा है। केवल विपक्ष केवल चुनाव के समय ही सक्रिय होता है, लेकिन हमारी सक्रियता हमेशा बनी रहती है। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच रहते हैं। हार के बाद बहाना ढूंढना विपक्ष का स्वभाव है और बीजेपी हमेशा जनता के बीच रहती है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद है। सर, 17 नगर निगमों में ही बीजेपी ने जीत हासिल की है। सबसे पहला सवाल, किस तरह से इस जीत को आप देख रहे हैं, चूंकि प्रचार भी आप लोगों ने खूब किया था। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 6 वर्षों में, राज्य सरकार ने 9 वर्षों में, केंद्र सरकार के माध्यम से जो काम हम लोगों ने किए हैं, वो सब काम जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ताओं ने रखने का काम किया है, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनादेश नगर निकाय चुनावों में मिला है। और जिम्मेवारी अब हमारी ओर है, और हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे और जो जो केंद्र की राज्य की योजनाएं हैं नगर निकायों के माध्यम से हम शहरों को संवारने का, सजाने का काम करेंगे। इसके साथ ही सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रचार किया था, रोड शो किया था, मेट्रो में प्रचार किया था, आपको लगता है कि जो नतीजा रहा, खाता भी नहीं खुला नगर निगम में समाजवादी पार्टी का, सीधे तौर पर 2024 का संदेश है ये? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग चुनाव कहां लड़े, बहन जी कहीं गई नहीं, भाई बहन की जोड़ी कहीं दिखाई नहीं दी, और अखिलेश जी भी 2-3 जगह रोड शो में भले ही कहीं गए होंगे, तो चुनाव से पहले ही विपक्ष अपनी हार स्वीकार कर चुका है और वो हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। हम लोग कह रहे थे उस समय कि जब परिणाम आएंगे तो वो ईवीएम को दोष देना शुरू करेंगे, लेकिन मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी नगर निगमों में जीतने का अवसर मिला और बोर्डों में भी नगर निगम के लगभग सभी नगर निकायों के बोर्ड में भी, नगर निगमों के बोर्ड में भी भाजपा को मेजोरिटी मिली, बहुमत मिला, और पिछली बार से बहुत ज़्यादा मतों से भाजपा जीती। लेकिन गर्व करने वाली बात यह है हमारे लिए कि नगर निगम के अलावा नगर पालिका, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली, और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की महान जनता का, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास का ही परिणाम है। और जो सरकारों ने काम किए उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में लगातार हमारा संपर्क बना रहा है। विपक्ष के लोग चुनाव के समय खड़े होते हैं और चुनाव में भी 2-3 जगह अखिलेश जी गए और बाकी लोग कहीं गए नहीं जी, तो उनकी कहीं ना कहीं वो पराजय अपने स्वीकार कर चुके थे और आज वो हार के बाद बहाना ढूंढने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हताशा का उनका परिणाम। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि विपक्षी पार्टियों को हताशा निराशा है जो नतीजे सामने आए, इसलिए बौखलाकर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।